मुर्गी पहले या अंडा पहले, हे मुर्गी पहले या अंडा पहले, सब एक ही सवाल में है उलझे यहाँ, सब एक ही सवाल में है उलझे यहाँ, अरे छोड़ देना तू भी तो ये सब झंझार। हाँ तुझको भी सिखा दे, तुझको भी सिखा दे जीवन का झोलमार, हाँ तुझको भी सिखा दे जीवन का झोलमार, मुर्गी पहले या अंडा पहले, सब एक ही सवाल में है उलझे यहाँ, सब एक ही सवाल में है उलझे यहाँ, अरे छोड़ देना तू भी तो ये सब झंझार। हाँ तुझको भी सिखा दे, हाँ तुझको भी सिखा दे जीवन का झोलमाल, तुझको भी सिखा दे जीवन का झोलमाल, ओ ओ ओ झोलमाल, आ आ आ झोलमाल, ओ ओ ओ झोलमाल, आ आ आ झोलमाल, झोलमाल, झोलमाल। मेरी तो किस्मत ही खराब है, कभी साथ ही नहीं देती। मेरी किस्मत से तो अच्छी सीक्रेट है, चाहे जान ले ले, कम से कम होठों तक तो लगती है। क्या बात है, इतना सजना सवरना किसके लिए है? कुछ तो हुआ है। दया दरवाजा तोड़ दो। तुम चुप ही रहो। पीयू टेंशन में क्यों है? यार आज घर पर मैंने मेरे दोस्त को बुलाया था। अच्छा जी, तो बॉयफ्रेंड के साथ डेट थी इसलिए हमें बाहर भेज दिया। और कुछ आड़ा उड़ो तो नहीं किया ना? तुम तीनों बस करो यार। पर तू इतने टेंशन में क्यों है? मैंने उसको कॉफी ला कर दी, उसके पीने के बाद वो बार बार वॉशरूम जा रहा था, फिर अचानक से वो निकल गया। पर वो गया क्यों? वो तो कुछ समझ में ही नहीं आया। श्रेया मैंने तुझे वो जुजुन बाबा का शदी शक्कर जिसमें मैंने पेट साफ करने का चूरन मिलाया था वो तूने किस में रखा? शक्कर के डब्बे में। पागल, मैंने तुझे वो खाली डब्बे में रखने का बोला था। शिट यार मैं भूल गई, वीडियो बनाने के चक्कर में। अब मुझे सब समझ में आ गया है कि मेरा ये दोस्त बार बार वॉशरूम क्यों जा रहा था। क्यों? तेरे और अंजलि की वजह से। हमारी वजह से क्यों? तूने तेरे मेलोडी ड्रामा के चक्कर में और अंजलि झुनझुन वाले बाबा की चूरन शक्कर के डब्बे में डालने की वजह से मैंने वही शक्कर को कॉफी में डालकर मेरे दोस्त को पिला दी और उसका पेट साफ हो गया। जरा अपने उस दोस्त से पूछ कि उसका पेट ही साफ हुआ है या वो पूरा साफ हो गया है। तुम लोगों को मजाक लग रहा है? तुम्हारे चक्कर में मेरे पूरे प्लान पर पानी फेर गया। कौन सा प्लान? तूने जिंदगी में आज तक कभी भी कोई सही से काम किया? जब देखो तब मोबाइल में ही पड़ी रहती है। अरे इतना चिल्ला क्यों रही है, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? हाँ तो सही है ना, हर वक्त है ना मोबाइल वाले फॉलोवर्स काम नहीं आने वाले, मुसीबत के समय पर सच्चे दोस्त ही काम आते हैं। ये ज्ञान देना क्यों शुरू कर दिया है यार? क्योंकि तू अपनी मोबाइल की दुनिया से वापस ही नहीं आती है, अपने घर वालों की परेशानियों को समझ। जब देखो तब मोबाइल में ही पड़ी रहती है, वो फॉलोवर्स वाले दोस्त आकर तेरे घर पर राशन पानी नहीं देकर जाएंगे। अब किसी को कोई फिक्र नहीं करना, हमें किडनैपिंग कैसे करनी है उसके सारे दावपेच सीखने के लिए हमें एक बुक मंगवानी होगी। हमें किडनैपिंग करनी है, कोई एग्जाम नहीं देनी जो हम बुक से पढ़ाई करेंगे। मैंने बोला था कि ये गुजराती गुंडी हमें एक दिन जरूर फांसी तक पहुँचाएगी। तो ये सब छोड़ ना विधि, और कुछ और बता। प्रिया एक तूज दिमाग वाली है, बाकी तो बता डोबा भरिया छे। प्लान क्या है ये बताएगी? सुनो, मिनिस्टर का लड़का शाम को 6 बजे जिम जाता है, बाइक से निकलता है, ठीक है। हमें चेहरे पे मास्क पहन के उसके पीछे जाना है और उस पे हमला करना है। प्रिया आगे का प्लान तू बता कि कब कहाँ कैसे क्या करना है। तो सुनो श्रेया, सबसे पहले तो तू सर्च कर कि वो कौन से रास्ते से गुजरता है और शाम के समय पर वहाँ पर भीड़ कितनी रहती है। रुक, अ
अरे वो गल्लू ब्रिज से गुजरता है। परफेक्ट, वहाँ शाम के वक्त भीड़ भी कम होगी। तो फिर एक काम करते हैं, विदिता और श्रेया तुम दोनों ब्रिज के उस पार रहोगी और विदिता तुम आर्यन के सर पर पीछे से वार करोगी और उतने ही समय में श्रेया तुम आकर उसे स्प्रे कर देना ताकि वो बेहोश हो जाए। ठीक है। और उसी समय पर मैं और अंजलि कार लेकर आएंगे और उसे हम कार के अंदर डालकर घर पर लेकर जाएंगे और अपने स्टोर रूम पर बंद कर देंगे। हम उसे बोरी में भर के ले जाएंगे ताकि अगर रास्ते में उसे होश आए तो वो भाग भी ना सके, और हम उसे कहाँ किडनैप करके ले जा रहे हैं वो रास्ता भी उसे मालूम ना हो। ये बात तूने एकदम सही कही अंजलि। और एक बात, हम सबको लड़के जैसे दिखने की कोशिश करनी है जिसकी वजह से अगर किसी को प्रॉब्लम होती है कोई तो हम पर शक ना हो, सबको यही लगे कि वो चल लड़के थे। ये हुई ना बात। तो फिर एक काम करते हैं, कल हम ब्रिज के पास जाकर पूरी प्लानिंग कर लेते हैं और परसों वाले दिन जाकर किडनैपिंग करेंगे। ओके यस, लॉक करो बापू। ओके चलो, तो इस बात पे एक सेल्फी हो जाए। एक मिनट। पक्का है ना वो यहीं से होकर जिम जाता है? हाँ हाँ बाबा पक्का। जरा संभाल कर, हाँ हम पर किसी को शक ना हो। अगर किसी को शक हुआ भी तो उसका शक बना दूंगी। विदिता प्लीज अभी रहने दे। मेरे नाल तू ही जचदा है ओनली, मेरे दिल विच रहना तू ओनली, मेरे नाल तू ही जचदा है ओनली। दूर जाने की ना गल कर मुंडिये, दूर जाने की ना गल कर मुंडिये, मेरे बिना तेरे फीलिंग होगी लोनली लोनली लोनली। ओनली 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 तू है, ओनली ओनली ओनली, ओनली 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 तू है, ओनली ओनली ओनली। दूर जाने की नकल कर मुंडिये, दूर जाने की नकल कर मुंडिये।
मेरे नाल तू ही जजदा है ओनली मेरे दिल विच रहना तू ओनली मेरे नाल तू ही जजदा है ओनली दूर जाने की ना गल कर मुंडिए दूर जाने की ना गल कर मुंडिए मेरे बिना तेरे फीलिंग हो गई लोनली 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 ओनली 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 तू है ओनली 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 तू है ओनली 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 वापस से सपना देखा ना पूछ मत यार कितना सुंदर सपना था हमें वैसे भी नहीं पूछना है कि क्या सपना था सपने में आर्यन था क्या हाँ यार कितना खूबसूरत सपना था मैं भी थी क्या सपने में मैं रिया और आर्यन हम दोनों उसे अपने दिल की बात बयां करने ही वाले थे कि प्रिया ने आके सपना तोड़ दिया हम यहाँ शादी करने नहीं आए उसका किडनैपिंग करने आए हैं मतलब तुझे आर्यन पसंद नहीं है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है पर अभी जो काम करने आए हैं ना उसी पर फोकस करते हैं हाँ यार वैसे भी घर से बहुत पैसों की प्रॉब्लम है घर से कॉल्स भी आ रहे हैं और रूम का रेंट भी नहीं दिया है अगर इस बार पैसों का इंतजाम नहीं हुआ ना तो मेरा बाप तो अरे वाह दोनों चहक रही हो बताओ बताओ तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो क्या गम है जिसे छुपा रही हो रुक जा तुझे कुछ दिखाते हैं पर क्या ये देख हाँ। अरे वाह ये तो शाहजहां की मुमताज की तरह है वो गुजराती डायन किधर है वो कमरे में सो रही है अच्छा है मिस्टर बीन का गुजराती वर्जन है तू भी ना उस बिचारी को हर वक्त चिढ़ाती रहती है अरे यार छोड़ो उसे अब ये पोस्टर दीवार पे लगाते हैं हाँ चलो रुको मैं लगाने में हेल्प करती हूँ हाँ ठीक है रिया देखना ये दोनों भी हम दोनों की तरह कितने कमाल दिख रही है हाँ यार वाह रे वाह खुद की तारीफ करना तो कोई तुमसे सीखे रिया देखा कहीं से जलने की बदबू आ रही है हाँ बदबू तो मुझे भी आ रही है अब वो सब छोड़ो और पोस्टर चिपका लो चलो जब मेरी शादी होगी ना तो इतना सुंदर नजारा होगा हे राम मतलब तू गांव में शादी करने वाली है फिर तो तू बिल्कुल बहन जी दिखेगी और फिर सब तुझे बोलेंगे बहन जी वो सब छोड़ो पहले ये सोचो कि ये पोस्टर कहाँ लगानी है उसके बाद तेरी शादी के बारे में सोचेंगे तू ये पोस्टर देख के अपने सपने में मत चली जाना और तू भी इसकी सेल्फियां ले लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड मत कर देना हाँ अब पहले ये पोस्टर कहाँ लगाना है ये सोचे उसके बाद तुम दोनों चिपकना ठीक है विदिता तेरे साथ आई थी ना कहाँ पर है उस गुंडी को कोई गुंडा मिल गया तो उसके साथ गई है अच्छा। मतलब कहाँ गई है अरे उसका कुछ दोस्त मिल गया तो उसके साथ गई है बोला कि लेट नाइट आएगी अच्छा ये देख मैं क्या लाई हूँ क्या पीले पीले ओ मुरानी अरे आराम से पीले लगता है ये तीन चार पैक मार के ही आई है और ये क्या लेके आई है शराब अंजलि तू पागल वागल हो गई है क्या गुजरात में शराब और तुझे अच्छे से पता है ना कि यहाँ पर बैंड है सुन कल रात गांधी जी मेरे सपने में आए थे उन्होंने कहा
कि बाली के मेरे देश को तुम्हारी जरूरत है। देश प्रेम का नशा करो। देश प्रेम का नशा करने कहा था ना, शराब का नहीं। सुन, पानी में मिले तो लगे पानी जैसी, जिस्म में मिले तो लगे जवानी जैसी। हाँ। दो पैक अंदर और पूरी दुनिया अपने बाप की। हम तेरे जैसे शराबी नहीं है। राइट। ले, एक दिन अमीर लड़का मिल गया ना, तो शादी करके उसके साथ अमेरिका सेट हो जाऊंगी। सही जा रही है मेरी जान। और कुछ कहा तेरे गांधी बापू ने? कहा ना। क्या? उन्होंने बोला कि जिसकी जेब में रहता हूँ पूरी दुनिया उसके कदमों में। वाह 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 वाह, क्या बात है। और कुछ कहा? कहा ना, दाने दाने में केसर का दाना। अब तो पक्का ये पूरी बोतल पी के आई है। हाँ। ये बाप रे, ये क्या कर रही है? ये तो बड़ी अजीब है। पर वैसे टेस्ट में इतनी भी बुरी नहीं थी। हाँ यार। हाँ। बाप रे, ला दे यार। सुनो। क्या? पैसों का जुगाड़ कैसे करना? अरे मेरी जान, किसी ने कुछ सोचा है क्या? पैसा पैसा क्यों करती है? तू बोले तो पूरा ताजमहल तेरे नाम कर दूं। जी मेरे साजान। फूल टू नौटंकी। जब देखो तो विदिता को बेचारी को चिढ़ाती रहती है, जबकि सबसे बड़ी ड्रामेबाज तो ये खुद है। अरे यार छोड़ो ना, अमरीका चली जाऊंगी मैं। हाँ? सही जा रही है मेरी जान। नवाबजादों की सुल्तानों, चलो अब जाकर सो जाते हैं, या फिर पूरी रात जाकर यहाँ शाही दरबार लगाने वाले हो। अरे प्रिया, तूने वो गाना नहीं सुना? कौन सा गुजराती गाना? वो हाथ माचे विस्की और मुझे गुजराती नहीं आती, और गाना भी। मुझे आता है। उसके बाद ऐसा आता है, बेवफा सनम तारी बहुत मेहरबानी। तुम दोनों भी ना, और अंजलि, अब तुम्हारी नौटंकी बहुत हो गई। चलो उठो, चलो जाकर सो जाते हैं। चलो ना, चलो चल 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 ना। खून में अल्कोहल की कमी तो नहीं हो गई? साला एक वक्त था जब पूरी बोतल पीने के बाद भी कुछ नहीं होता था, लेकिन साला आजकल आधी बोतल में हैंगओवर। Thank you.
हेलो सुन मेरे नशाबाज, कल रात को शराब पी थी, उसके बाद अभी तक हैंगओवर है। पता नहीं कौन सी सड़ी हुई शराब पिला दी। पता नहीं कौन सा नशा करता है यार, मेरा हर एक से वफा करता है। अरे मेरी टूटी हुई माचिस की तिल्ली के शायर, तेरे मुंह से ये वफा वाली बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मगर मैंने किया क्या है? कल रात तूने जो सड़ी हुई शराब पिलाई है ना, बेवफाई की वजह से मैं तो शराब में लुट गई। खुदा, तूने शराब बनाई और बनाई तो तुझे शराबी बनाई। पता नहीं कैसे कैसे जाहिर गवार लोगों से मेरा पौला पड़ा है, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। आप लोगों से एक बात पूछूं, ये जो प्यार वाले कबूतर एक दूसरे की आंखों में देख के बोलते रहते हैं कि तुम्हारी आंखों में तो नशा है, यहाँ तो बॉटल में भी नशा नहीं है। मुझे अब डॉक्टर के पास जाना होगा और रिपोर्ट करवानी चाहिए, कहीं मेरे खून में सच में अल्कोहल की कमी तो नहीं हो गई। मेरा ये मानना है कि दो बूंद जिंदगी के नहीं, दो बूंद शराब के होने चाहिए। साला जैसे ही अंदर जाती है पूरी दुनिया पे अपना कब्जा नजर आता है। तो चलो उठो और तब तक पियो जब तक तुम्हारे जिस्म में खून की जगह शराब ना दौड़ने लगे। आप लोगों को अगर जागते हुए सपने देखने हैं या फिर किसी को भी किसी भी तरह की नशे के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो सीधा मुझसे संपर्क करें। हाय हाय, इसकी नौटंकी अभी तक चल रही है? तू एक काम कर, चल मेरे साथ और रूम में जाके सो जा। वो सब तो ठीक है लेकिन मैं सोफे पर कैसे आई? वो सब बताती हूँ तेरे हैंगओवर उतर जाने के बाद, अभी चल तू। चलो कोई पीने वाली चीज है? तू जानते है ना यार, इन दिनों बीड़ी भी बहुत मुश्किल से मिल रही, सिगरेट कहाँ से लाऊं? कभी वाइन कभी बीड़ी, तू बिगड़ती जा रही है। एक बार पैसे हाथ में आ जाना दे, फिर सुधरना भी किसको है। आजकल तेरे अंदाज कुछ ज्यादा ही बदले बदले लग रहे हैं। देख लेना एक दिन इस बीड़ी के धुएं से सबको उड़ा दूंगी। अच्छा, तू पागल हो गई है क्या? मैं पागल नहीं हूँ, मेरा दिमाग खराब है। अच्छा, ये तो फूटी किस्मत, वरना एक दिन में सारे सपने सच करके दिखाती। अच्छा, जैसे कि? जैसे कि सुबह की चाय न्यूयॉर्क में, दोपहर के खाना यूएसए में और नाइट पार्टी पटाया। चल अब ये बीड़ी फूकना बंद कर और अंदर जाकर विदिता और श्रेया को जगाते हैं। चल। मैं नहीं आ रही, तू जा, मैं बीड़ी फूक कर आती। हे रामा, ये लड़की कभी नहीं सुधरने वाली, तू ऐसे नहीं सुधरेगी। चल उठ उठ। मेरी दवा
हेलो हेलो अंजलि, हम सब है ना बाजार में किडनैपिंग का सामान लेने आए थे और यहाँ पर बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। तू जल्दी से यहाँ पर आ जाना। अरे मगर हुआ क्या है ये तो बता। ये सब बातें छोड़ और बस तू यहाँ जल्दी से आ जा। ठीक है बाबा, लेकिन तुम हो कहाँ पर? मैं कुछ गार्डन जैसा है वहाँ पर हूँ। एक काम करती हूँ, मैं तुझे लोकेशन सेंड कर देती हूँ। बाकी सब कहाँ है? बाकी सब बाजार में सामान ले रहे हैं। और ये सब सवाल छोड़ ना यार, तू पहले यहाँ जल्दी से आ जाना। ठीक है, तू मुझे लोकेशन सेंड कर। हाँ मैं अभी भेजती हूँ। बता लफड़ा क्या हुआ है? और तुम लोग तो किडनैपिंग का सामान लेने बाजार गए थे ना, तो फिर तू इधर क्या कर रही है? रुक रुक, तेरे सारे सवालों का जवाब मैं देती हूँ। विदिता और श्रेया बाजार में किडनैपिंग का सामान लेने गए थे और मुझे पैसे लेकर उनके पास जाना था। तो फिर मेरी क्यूटी पाई तू इधर क्या कर रही है? मैं जब पैसे निकालने के लिए एटीएम में गई ना, बैलेंस जीरो। क्या? तेरे अकाउंट में तो 5,000 थे ना, कहाँ गए? मुझे लगता है किसी ने हैक कर दिए। हाय रे तेरी फूटी किस्मत, जो खिले हुए गुलाब को भी कांटों बना देती है। अब तू भी कोस ले मुझे। अरे मैं तुझे क्या कोसू, खुद भगवान भी तुझे कोस रहा होगा। मेरी किस्मत में ही शनि आकर बैठा है। नहीं मेरी जान, तेरी किस्मत में शनि नहीं है, तू खुद शनि की तकदीर में आकर बैठ गई है। अब सुनाना बंद कर और आगे क्या करना है ये सोच। अरे मैं क्या सोचूं? सोचना तो तेरे माँ बाप को चाहिए था, जो ऐसी मनहूस बेटी पैदा करके हमारे गले बांध दी। मैं तुझे कुछ बोल नहीं रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि तू कुछ भी बोलती जाएगी। अरे तूने बोलने लायक कुछ छोड़ा कहाँ है? भगवान भी तुझे धरती पे भेजकर अफसोस कर रहा होगा। उसमें मैं क्या करूँ, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। नहीं मेरी जान, तेरी किस्मत फूटी हुई नहीं है, लेकिन तेरी वजह से कितने सारे लोगों की किस्मत फूट गई है। हेलो। हाँ बोल। कैसे किया? ठीक है, अंजलि भी मेरे साथ ही है, हम दोनों डायरेक्ट घर पर ही आते हैं। हाँ क्या हुआ? सड़े हुए आलू की तरह मुंह बनाकर कोई मनहूस न्यूज मत देना। कोई मनहूस बात नहीं है, श्रेया का कॉल था और उसने पैसों का बंदोबस्त कर लिया है और वो बाजार से किडनैपिंग का सारा सामान लेकर डायरेक्टली घर पर आ रही है। चल हम भी घर निकलते हैं। चलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या हुआ कल की मीटिंग का? सीएम सर आपके बारे में पूछ रहे थे तो मैंने बता दिया। क्या पूछ रहे थे और तूने क्या बताया? वो पूछ रहे थे कि मिनिस्टर साहब मीटिंग में क्यों नहीं आने वाले। मैंने कहा अगर वो पार्टी मीटिंग में आते हैं तो कहीं आपको पार्टी फंड में पैसे देना ना पड़े। अरे नालायक, ऐसा कोई कहता है क्या? माफ कीजिए सर, आप तो चाय में से मक्खी निकाल कर भी चाय पी लेते। अरे तो इसमें गलत क्या है? जो इंसान पैसों को जाहिर करता है उसके पास कभी पैसे टिकते नहीं है। पैसे बचाना और मक्खी चूस होना अलग बात है। मैं तुम्हारा क्या करूं? आर्यन कहाँ है देखो। आर्यन बाबा। जी बोलिए जीनियर साहब। आपके कंजूस पिताजी आपको बुला रहे हैं। कंजूस बोलने की जरूरत है? जी बोलिए, मेरे एकलौते दहेज में बिना मांगे मिले हुए पिताश्री। अरे नालायक, कोई बेटा अपने बाप से ऐसे बात करता है क्या? आपको काम क्या है वो बताइए, मुझे जिम जाना है। पूरा दिन हाथी के बच्चे की तरह खाता पीता रहता है और जिम में पड़ा रहता है। आपने मुझे हाथी का बच्चा कहा तो आप क्या हुए? चुप। पहले तू मुझे ये बता कि पार्टी ज्वाइन करने के लिए तुमने क्या सोचा है? पापा मैं आपको 1,000 बार बोल चुका हूँ कि मुझे पार्टी वार्टी ज्वाइन नहीं करनी है, मुझे पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मैंने आपको बताया था ना, आई वांट टू गो टू लंदन। पूरा दिन तू आवारा की तरह भटकता रहता है और पैसे मांगता रहता है। सुन ले, मैं तुम्हें एक फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा, समझे? तो आप भी सुन लो पापा, मैं भी आप ही का खून हूँ, पैसे तो मैं निकलवा के ही रहूंगा। नमस्कार सर।
मैंने कल टीवी में देखा था। क्या देखा? एक बेटे ने ऐसे के लिए पिताजी की जान ले ली। चुप कर नालायक। मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी। अगर ये एड़ा है तो मैं महा एड़ा हूँ। ये भूल गया कि मैं उसका बाप हूँ। एक काम कर, गुरुजी को फोन लगा। ओम गुरुवे नमः। अबे बुड्ढे, फोन ही स्विच ऑफ था। क्या बोला तू? कुछ नहीं सर, गुरुजी का फोन स्विच ऑफ है। ठीक है, बाद में ट्राई करना। अभी तुम पार्टी ऑफिस जाओ और क्या हालचाल है वो मुझे बताओ। हुँ? क्या बोला? मेरी किस्मत अच्छी है इसलिए तो आपका पीए हूँ। आपका पीए हूँ इसलिए मैं जीनियस हूँ। मेरी किस्मत में भी शनि का प्रकोप है इसलिए तू मेरा पीए है। आपने कुछ कहा सर? कुछ नहीं कहा। तू मेरे सर पर मत खड़े रहो, जाओ पार्टी ऑफिस। जी सर। क्या हुआ? लो आ गया। अरे बेटा तुम आ गए? हाँ। जाओ खाना खा लो। हाँ हाँ, पूरे घर का राशन खिला दो अपने लाल को। क्या पापा, आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? अरे तू ही तो प्रॉब्लम है मेरी जिंदगी में, मेरी बीवी के बिगड़े हुए लाल। क्या आप भी जवान बेटा है, कुछ तो लिहाज कीजिए, हर वक्त बिगड़ते रहते हो। अरे जवान है तो देश की सीमा पर चला जाए, थोड़े दिन मुझे तो सुकून मिलेगा। मम्मी आप एक काम करो, गुरुजी से ना आप अपनी भी कुंडली चेक करवाओ। आपकी कुंडली में शनि बैठा है। शनि? नालायक, अपने बाप को शनि कहता है? शनि भी आपसे अच्छा है, कम से कम वो कंजूस तो नहीं होता है। तू मुझे ये बता कि तुम्हें पार्टी ज्वाइन करनी है या नहीं? पापा मैंने आपको कितनी बार कहा है मैं पार्टी वार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ लंदन जाना है बस। तुम्हें एक फूटी कोली भी नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं, पैसे तो मैं भी लेकर ही रहूंगा, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं सब करूंगा। अच्छा तो अपने बाप को धमकी देता है? धमकी समझना है तो धमकी समझो। न जाने किस बाप का पाप है। आपका ही पाप है, इसलिए चुप बैठिए। तू चाहे कुछ भी कर ले, तुम्हें पार्टी तो जॉइंट करनी ही पड़ेगी। मुर्गी पहले या अंडा पहले, हे मुर्गी पहले या अंडा पहले, सब एक ही सवाल में है उलझे यहाँ, सब एक ही सवाल में है उलझे यहाँ। अरे छोड़ देना तू भी तो ये सब झंझार, हाँ तुझको भी सिखा दे, तुझको भी सिखा दे जीवन का झोल मार। हाँ तुझको भी सिखा दे जीवन का झोल मार। मुर्गी पहले या अंडा पहले, सब एक ही सवाल में है।